त्योथर मध्य प्रदेश का पूर्वी द्वार और प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। त्योथर प्राकृतिक रूप से समृद्ध एवं कृषि उपयोगी उर्वरकता से लबरेज है। कहा जाता है त्योथर पर कभी कोल वंश के राजाओं का शासन हुआ करता था। इसके बाद बघेलों ने भी कुछ समय तक शासन किया। यह क्षेत्र तमरा और खरारी नदी के संगम पर स्थित है। त्योथर अपने देव कोठार के बौद्ध स्तूपों, जिनका श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को दिया जाता है, इनके लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही वंशवाद राजनीति का अहम केंद्र रहा है। महाभारत काल से भी त्योथर का संबंध अछूता बताया जाता है। त्योथर कुलगढ़ी बेनवंशी राजाओं को लेकर एवं भूतियाओं राजाओं को लेकर काफी चर्चा में रही है। आइए हम त्योथर का जातीय समीकरण समझते हैं। त्योथर में जातीय समीकरण चुनाव के लिए चुनी दामन जैसा संबंध रखता है। बिना जातीय समीकरण के त्योथर को समझना ही संभव नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मणों और आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है। सामान्य वर्ग 43%, जिसमें 31% ब्राह्मण और 8% राजपूत है। 21% आदिवासी, साथ में 18% अनुसूचित जाति एवं 14% अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं। त्योथर में ब्राह्मण नेताओं का वर्चस्व लंबे समय से रहा है और इसी वर्चस्व की लड़ाई का फायदा 2008 के चुनाव में बसपा पार्टी को हुआ था। और इसी वर्चस्व को दिखाने के लिए लोगों ने खुद की पार्टी से भी बेहतर घात किया और 2018 चुनाव काफी मशक्कत कर सुरक्षित किया था। इसलिए त्योथर में जातीय समीकरण चुनाव की नींव बन जाता है। राष्ट्रीय पार्टियां भी इस बात को समझती और मानती हैं और इसी अनुसार चुनावी दंगल तैयार होता रहा है। पिछले इतिहास पर नजर डालें तो त्योथर उत्तर प्रदेश से सटा होने के नाते राजनीतिक असर भी उत्तर प्रदेश का देखा जा सकता है। 1990 में रमाकांत तिवारी जी कांग्रेस से विधायक बने। 1993 में रामलखन सिंह जनता दल से। 1990 में फिर रमाकांत तिवारी जी, लेकिन इस बार बीजेपी से। 2003 में फिर रमाकांत तिवारी जी। 2008 में राम गरीब आदिवासी बहुजन समाज पार्टी से, जो यूपी की राजनीति का हस्तक्षेप माना जा सकता है। फिर 2013 में रमाकांत तिवारी बीजेपी से पुनः बने। 2018 में श्यामलाल द्विवेदी जी। अब देखेंगे कि एक लंबे अंतराल से कांग्रेस सत्ता से बाहर रही, खासकर त्योथर में। कारण कहीं न कहीं जातीय समीकरण ही रहा। 2023 की बात करें तो दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है। कुछ एक पर तो चुनावी भूत इस कदर हावी है कि वो व्यक्तिगत चुनाव या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत होगा कि कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि पहले इसमें प्रयास करेंगे, नहीं मिला तो उसमें प्रयास करेंगे और कुछ नहीं मिला तो निर्दलीय तो लड़ेंगे ही। फिर भी आइए हम कुछ चर्चित नामों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हैं वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नकारते हुए कांग्रेस का ही कमल खिला दिया था, जिसको देखते हुए आखिरी वर्षों में, मतलब चुनाव नजदीक है, आखिरी वर्ष में शिवराज सरकार डबल इंजन की घोषणा लेकर आई और तेजी से अपनी छवि और सरकार की छवि सुधारने पर कार्य करने लगी। साथ में मोदी जी और अमित शाह के मध्य प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरों ने यह साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में पार्टी की स्थिति विचारणीय है। इसी पैमाने पर अपना भी कद उठाने की भरपूर कोशिश क्षेत्रीय विधायकों द्वारा भी की गई। जाहिर सी बात है, जिसका फायदा त्योथर विधायक ने भी खूब उठाया। राज्य की केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच अपना कार्य कौशल बताने में लगे रहे। प्रदेश सहित त्योथर में जैसे भूमि पूजन की बारसी आ गई। आनन फानन में पुल, पुलिया, रोड सब बने, लेकिन उनमें भी जमकर अनियमितताएं हुई। शौचालय से लेकर आवास, राशन, मध्यान्ह भोजन, स्कूल, यात्री प्रतीक्षालय, जितने भी काम हुए सब में जमकर अनियमितताओं की गंध आती रही। सरकारी कागजों में तो गरीबों के लिए सरकार ने खूब मेहनत की, लेकिन धरातल पर सब गायब ही रहा। अपात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए त्योथर में एक अलग ही सिस्टम कई वर्षों से काम करता आ रहा है। अब विधायक जी इसमें कितना और कैसे सहयोग करते हैं, यह निर्णय जनता ही करे तो बेहतर होगा। पर सरकारी तंत्र की इस मनमानी रवैये से जिम्मेदारों को तो भागना नहीं चाहिए, उन्हें खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बात करें सरकारी स्कूलों की, तो ये वाकया कभी नहीं हुआ कि विधायक जी कभी किसी सरकारी स्कूल का दौरा कर किसी भी विषय पर कोई काम किए हो। शायद वर्तमान विधायक जी ने राजनीति एवं यात्री प्रतीक्षालय ही सारी मूलभूत सुविधाओं से ज्यादा जरूरी समझा। जनता की माने तो श्यामलाल द्विवेदी जी की लोकप्रियता 35% से भी नीचे जा चुकी है, जिसका प्रमुख कारण उनकी विवाक वाणी और शिथिल कार्य शैली ही रही। दूसरे नंबर पर आते हैं कौशलेश तिवारी उर्फ तिवारी लाल। आप पूर्व शिक्षा मंत्री एवं पशु संवर्धन मंत्री स्वर्गीय पंडित रमाकांत तिवारी जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। रमाकांत तिवारी जी का ऋणी संपूर्ण
पत्थर की जनता खुद को मानती है और उन्हीं की ऋण वापसी के प्रयास ने तिवारी लाल जी को टिकट की रेस का दावेदार बना दिया। लोकप्रियता की बात करें तो तिवारी लाल मिलनसार और मददगार व्यक्ति हैं। पार्टी आलाकमान से अच्छे रिश्ते रखते हैं और क्षेत्र में काफी रसूख रुतबा है। हर जाति वर्ग के लोगों में पंडित रमाकांत तिवारी काफी लोकप्रिय नेता की छवि रखते थे और जनता को तिवारी लाल में भी कहीं ना कहीं रमाकांत जी की छवि दिखाई देती है, क्योंकि आज भी तिवारी लाल कई छोटे चुनावों में अपनी पसंद के व्यक्तियों को चुनाव लड़वाते और जितवाते हैं। जनता की माने तो लोग कहते हैं कि तीर्थर में दो ही ऐसे नेता हैं जिनकी कम से कम 20,000 वोट बैंक है, पहले तिवारी लाल और दूसरे रमाशंकर पटेल। दोनों के पिता तीर्थर से विधायक रहे और तीर्थर के विकास कार्यों में सच्ची लगन और निष्ठा से काम किया है। खैर, तिवारी लाल जी की लोकप्रियता 70% है जनता के अनुसार। ये भी बीजेपी की टिकट के लिए प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। तीसरा नाम है देवेंद्र सिंह जी का। देवेंद्र सिंह जी का नाम महाराजा ग्रुप के साथ जुड़ा होने के नाते यह तो साफ है कि धन दौलत की कोई लालसा मन में नहीं होगी और ये कहावत आम है कि अब धन कमा लिया चलो यश कमाया जाए। इसी लालसा ने देवेंद्र जी को राजनीति में कदम रखने के लिए मजबूर कर दिया। देवेंद्र जी ने बीजेपी पार्टी की कुछ महती योजनाओं का बीड़ा अपने सर उठा लिया। अब क्योंकि पार्टी को भी ऐसे मजबूत कंधों की आवश्यकता होती ही है जो अपने स्तर पर पार्टी का भार उठा सके, पार्टी कार्यक्रमों में देवेंद्र जी की हौसला अफजाई की जाने लगी। इसलिए देवेंद्र जी ने भी तैतर में राखी बंधवाने और साड़ी बांटने की एक नई प्रथा का चलन कर दिया। बुजुर्गों का तीर्थ भ्रमण, देवेंद्र बने श्रवण, ऐसी ऐसी योजनाएं पार्टी बैनर तले खुद ही चला दी। साथ ही युवाओं को लुभाने के लिए खेल की गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम भी सार्थक निकला और तैतर में जातीय समीकरण को नकारते हुए देवेंद्र जी टिकट की दावेदारी फेस करने लगे। ब्राह्मण के वर्चस्व वाली सीट से भी 70% की लोकप्रियता हासिल करना एक उम्दा दावेदार आसानी। खुद मुख्यमंत्री जी भी कई बार वर्चुअल माध्यमों से देवेंद्र सिंह जी की तारीफ कर चुके हैं।